टॉक्स। आज हम लोग फाइनली लवासा सिटी पहुंच चुके हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू टॉक्स। आज हम लोग लवासा सिटी आए हुए हैं। सो मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि फीचर्स जो आपके वीडियो में काम आएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेट्स फोकस ऑन दी पॉइंट्स ऑफ लवासा सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सेकेंडली, 100 किलोमीटर स्क्वायर के रीजन में इसका कंस्ट्रक्शन होना था, जो कि 32 किलोमीटर स्क्वायर रीजन ही कर पाए हैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में प्रॉपर्टी सीज कर दी गई थी। और थर्डली, जो इसका मेन जो ये है, ये इटली के पोर्टोफिनो सिटी के ऊपर इसका मॉडल जो है बनाया गया था। इसका प्रोजेक्ट जो था, जो इटली का पोर्टोफिनो जो है उसके ऊपर जो दिखाइए, ये जो जितने भी यहाँ जो दिखाए गए हैं चीज़ें, जैसे घर बनाए गए, ये सब इटली का जो होता है, जो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन होता है आर्किटेक्चर, उसके हिसाब से बनाए गए। पोर्टोफिनो जो सिटी है एक इटली की, उसके बेसिस पर ये सारे टाउन जो है ये बनाया गया था। ये जो लवासा सिटी जो बोलते हैं, नाम जो है लवासा है, पुणे से, पुणे के अंदर ही आता है ये। और इन्वायरमेंटल जो हार्म किया गया है, जो डिफॉरेस्टेशन किया गया था, कटिंग्स की गई थी, तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कितना लैंड यहाँ पे एम्प्टी किया गया है, कितने पेड़ और कितने काटे गए। ये एक्चुअली में बनने वाला था, बट ये अभी रोक दिया गया। ये सब चीज़ें सारी अबैंडन कर दी गई हैं। बेसिक जो प्लान था इसका, वो एक्चुअली में सिटी इन द सिटी, ये सब समझ पाएंगे। जैसे वेनिस ही है, वेनिस का जो इटली का जो होता है, जैसा कंस्ट्रक्शन के बीच में रिवर गया हुआ है, उसके पास में सिटी इस्टेब्लिश की जाती है, वैसा बनाया गया था। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर ही सारी सिटीज़ की जो भी चीज़ें, जो नीडफुल चीज़ें हैं, वो सब मिल जाएंगी आपको। इसके हिसाब से इसका सब रखते हुए दिमाग में बनाया गया था। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है पुणे, ऑब्वियसली। उसके अलावा जो यहाँ जो बनाया गया है, वो आपको अपने आप में बाहर का दिखता है बिल्कुल। और सी लेवल से ये 2070 स्क्वायर फीट ऊपर है हाई। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। ये मेन फीचर्स थे जो भी हैं, देखते रहिए। बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ की, जो कंस्ट्रक्शन, जो इटली के जो पोर्टोफिनो का जो व्यू मैं बता रहा हूँ, वो आपको एक्चुअल में दिखेगा जो यहाँ पे है। मैं अभी आपको नीचे जा देता हूँ। मैं अभी ऊपर हूँ, तो ऊपर से ये जो व्यू है दिखाइए, ये ऊपर का व्यू है। दिस इज़ द अप लेवल व्यू। जो अब हम लोग जाएंगे जब नीचे, तो आपको जो नीचे बिल्डिंग्स या जो बनी हुई दिख रहे हैं, हाउसेज या जो बंगलोज हैं, जब सेल के लिए किया गया था, बहुत खूबसूरत बनाया गया। सो लेट्स फोकस ऑन द मेन कोर्स। चलते हैं हम लोग, देखते हैं नीचे चल के। देखिए सारा चीज सोलर सिस्टम का, सोलर पैनल्स। और क्लोज जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जाकर के नीचे। अभी जो बंगलोज और जो बनाए गए हैं, देखिए कितने शानदार हैं। आई थिंक लोग यहाँ भी रह तो रहे हैं। जो बंगलोज हैं वो पीछे की साइड में है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको, यहाँ स्कूल भी है। जो सिटी की नीडफुल चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मतलब पूरा वो बनाया गया था इटली के जैसा। देखिए यहाँ पर जो बोर्ड्स लगा रखे हैं। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
लवासा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। टेल मी समथिंग अबाउट दिस मिस्टर नंदन, टेल अस समथिंग अबाउट दिस। सॉरी, व्हाट डज द कन्वेंशन सेंटर मीन? वाओ, दिस इज द ब्यूटी। लुक एट दिस, द अरेंजमेंट्स, not the dustbin but the arrangements and the views, you can get a foreign place view. And this baldy headed joint with us, this is tremendous. इतनी बढ़िया सिटी जो है वो बनते बनते रुक गई। आई डोंट नो कि मेरा क्या ओपिनियन है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ उसे डिसीज़न। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, सही हुआ कि गलत हुआ। इसके बारे में और भी चीज़ें डिटेल में पढ़नी हो तो विकिपीडिया पे देख लीजिए इसके बारे में। जबरदस्त व्यू। लवासा एक्सप्रेस टाउन हॉल, आशियाना उत्सव सीनियर लेके। अच्छा, Thank you.
सो गाइज वीडियो ख़त्म हो चुका है. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस यहाँ तक एंड तक. और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगता है आपको तो. कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगता है, क्या ओपिनियन है आपका इस वीडियो के बारे में, लवासा सिटी के बारे में. यहाँ का जो सीज हो चुका प्रोजेक्ट, बट कुछ जो बन चुका है वहाँ लोग रह भी रहे. सो बेसिकली आप अभी आ सकते हैं, आकर के यहाँ खुद ही देख सकते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा और क्या मतलब कितना बढ़िया यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त है. जो इटालियन जो लिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त है. आप देख करके आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप किसी नॉर्मल मतलब इंडिया में ही, ऐसा लगेगा नहीं आपको, इतना अच्छा इन्होंने बना के रखा हुआ है. सो गाइज थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. नंदन और आप बताइए, आप लोग बताइए इसका बेस्ट पार्ट मतलब सबसे अच्छा पार्ट कौन सा रहा इसमें. हाँ, जो कमियाँ हैं, जो अच्छा चीज़ें हैं वो आप कमेंट में करिए, और या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. अबाउट में इंस्टाग्राम का आईडीज़ वगैरह मेरी है, तो डायरेक्ट आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे चैनल के बारे में. कुछ लगता है कि कोई पार्ट जो नहीं दिखाया गया अच्छे से, उसको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, वो भी आप बता सकते हैं. जो भी एरर्स हैं या जो भी कमियाँ हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उन सबको आप बता सकते हैं ताकि हम सुधारें. और अच्छा है तो हमारा मॉडिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम करें. और जो इतना जो लंबा टाइम इंटरवल जो बीच का था, जो वीडियोज़ शेयर नहीं हो पा रही थी, उसके कुछ रीज़न्स थे, पर्सनल रीजन्स, उसकी वजह से हो नहीं पा रहा था. अब मैं कोशिश करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँ इस चीज़ को. तो आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू. थैंक यू गाइज, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. बाय बाय बाय.